everybody. So how are you all? I hope you all are safe at your home. So let's take today's question. And yes, today's question is, welcome to the Talk with AB show. So today's question is, sir, one of my mentee asked me that, sir, according to you, what is success? I want to know what is the real definition of success. Okay, that's great. It's a very easy question, but it's really tricky question, we can say. So according to you, what is success? Most of the 90% people think in that way, that agar main apne jo bhi mera dream hai, jo mere keh sakte hain, jo mera vision hai, agar main usko complete karta hu aur main wahan tak pahunch jata hu, that is success. 90% logon ki yahi same ek definition hoti hai ki mujhe jo chahiye wo mujhe mil jaye, that is success. But main, according to me, that is not the right definition of success. Do you know why I'm saying this? Just, I'm going to prove it. See, let's suppose आप 18 years के हैं अभी और आपकी एक dream है 25 years में XYZ जगह पे पहुंचना और ये चीज़ों को achieve करना. See, जब आप 18 years के हैं, आपका belief system और आपका surroundings बहुत different है. वहाँ पर आपकी जो dreams हैं, वहाँ पर जो आपकी destination है, वो अपने belief system के हिसाब से है ना. नाउ जब आप 18 से 25 पे पहुंचते हो और आपको वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, क्या आप उस लेवल का एक्साइटमेंट अपने अपने आप में फील कर पाते हैं जितना आपने 18 साल की उम्र में उन सब चीज़ों को सोच कर और अचीव करने की इमेजिनेशन में वो एक्साइटमेंट आपको था? आई थिंक आंसर इज एब्सोल्युटली नो. जब 18 से 25 पे हम पहुंच रहे हैं और वो सारे ड्रीम्स को पूरे कर रहे हैं, तो हमें उतनी खुशी नहीं मिल रही जितनी हमने 18 में इमेजिनेशन में की थी. सो ये सेम हमारी लाइफ में हमेशा चलता है. हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से और जो हम सराउंडिंग्स हैं और जो हमारा माइंडसेट उस मोमेंट पर है, उस हिसाब से हम हमारे ड्रीम्स को बनाते हैं और वो डेस्टिनेशन को हम अचीव करने पे लगे रहते हैं. जैसे जैसे आपका टाइम पास होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके ड्रीम्स चेंज होते हैं, आपका यू नो सराउंडिंग्स चेंज होता है, आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं, और वहाँ से आपको वो जो सक्सेस जो आपने सोची थी, जिसको बहुत बड़ा सोच रहे थे, वो आपके लिए छोटी लगने लगती है. और उसके बाद आप फिर एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए लग जाते हैं. और जब आप वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट पैरामीटर होता है, देन नेक्स्ट. सो आई थिंक आपको वो जो कंप्लीट सक्सेसफुल होने की जो फीलिंग्स हैं, वो आप कभी फील ही नहीं कर पाते अपनी लाइफ में. अकॉर्डिंग टू मी, सक्सेस इज ऑल अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन डेली बेसिस, इफ यू आर एंजॉइंग दैट प्रोसेस एंड दैट एवरी डे इन योर लाइफ. अब इनर हैप्पीनेस अगर आपको है, दैट इज कॉल्ड रियल सक्सेस. सक्सेस इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर पर्सन्स कि एक्स वाई जेड पर्सन मुझे सक्सेसफुल कह रहा है, दैट्स वाई आई एम सक्सेसफुल. आई थिंक सक्सेस इज ऑल अबाउट कि मुझे क्या लग रहा है, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, वट एवर आई एम डूइंग इन माई लाइफ, क्या मैं सक्सेसफुल हूँ. सी, इसको आप अपने पैशन से भी रिलेट कर सकते हैं. सी, जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, बट जो प्रोसेस होता है, वो भी जो आप वो एक जर्नी होती है उस लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो जर्नी है, वो भी बहुत कमाल की होती है. और उसमें भी आपको बहुत यू नो बहुत एंजॉय फील करते हैं, बहुत अमेजिंग सा फील करते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द रीज़न इज बिकॉज आप एवरी डे को इंजॉय कर रहे हैं. सो यस, इन शॉर्ट वे वी कैन से कि हम कुछ चीज़ों को, सर्टेन चीज़ों को अचीव करते हैं, तब आप हम अपने आप को सक्सेसफुल पैरामीटर में बेस्ट मानते हैं. बट यस, एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट वी नीड टू, इफ यू वॉन्ट टू नो द राइट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, सक्सेस इज ऑल अबाउट आर वी इंजॉइंग आर लाइफ राइट नाउ और नॉट. सी, जो सेम फीलिंग आपको आज है, आप ऐसा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ये सब चीज़ें कर लूँगा तो मुझे, यस आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, नो नथिंग. आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और अपने एल्डर जो भी एक्सपीरियंसेस लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनसे आप ये क्वेश्चन पूछ के देखिए कि वो सब चीज़ें जो 25 में वो सोचते थे कि 35 तक अचीव हो जाए, उसके बाद यस आई लिव माई लाइफ, क्या वो 35 पे वो सब चीज़ अचीव होने के बाद भी लिव कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को प्रॉपरली जैसा कि वो सोचा करते थे 25 में? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. सो
आई थिंक हमारी डेफिनेशन सी इट्स नॉट आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो नीड टू मेक योर विजन एंड ड्रीम्स. यस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि एक डायरेक्शन में आपको चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट यस एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम वहाँ पहुँच गए तो वही सब कुछ नहीं है. उससे पहले की जो जर्नी है उसको आप इंजॉय करना छोड़ देते हैं. सो सक्सेस इज ऑल अबाउट जर्नी, राइट? जो भी जर्नी को आप जी रहे हैं. सो और मैं हमेशा बोलता हूँ दोज पीपल आर रियली ब्लेस्ड, दोज आर फॉलोइंग देयर पैशन. पैशन से एक वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एड हियर इज इन दिस लॉकडाउन पीरियड आई एम कमिंग विद वन अमेजिंग यू नो ऑफर विद यू दैट आई एम गिविंग यू वन माई ऑनलाइन कोर्स ऑफ आइडेंटिफाई योर पैशन इन ऑलमोस्ट वी कैन से इन वन पिज्जा प्राइस. इफ यू वॉन्ट टू नो देयर यू आर गोइंग टू लर्न सो मैनी टेक्निक्स बाई विच यू कैन आइडेंटिफाई योर पैशन. आई कैन श्योर उस वीडियोज को देखने के बाद, 6-7 वीडियोज को देखने के बाद यू आर गोइंग टू गेट सो मच क्लैरिटी. इफ यू हैव समथिंग जो आपको क्लैरिटी नहीं है अपने विजन्स को लेकर, यस यू कैन ग्रैप दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू ऑलमोस्ट फ्री प्राइस. सो कनेक्ट विद मी एंड माई टीम, दे विल गाइड यू हाउ यू कैन ग्रैप दैट अपॉर्चुनिटी. सो एनीवेज सक्सेस पे मैं बात करता, सक्सेस इज ऑल अबाउट जर्नी. जो भी आप इंजॉय कर रहे हैं, आप अगर इंजॉय कर पा रहे हैं दैट इज ओके. कम पैसा कमा रहे हैं स्टिल आप अगर अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं यू आर सक्सेसफुल. अगर आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और स्टिल आप अपनी लाइफ में खुश नहीं है, इनर हैप्पीनेस नहीं है, इनर लव गायब है, चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी नहीं है, आप हमेशा परेशान रहते हैं, मिसिंग सा फील करते हैं, देन आई थिंक people will say to you you are successful, but according to me you are not successful person in your life by your heart. So apne dil ki suniye aur us tarah se cheezon ko karna hai, journey ko enjoy karna start kar dijiye. Success will be yours and aap har din ko ek amazing tarike se jeena seekh jayenge aur uske baad aap bahar ki jo cheeze hain, affections hain jiske karan se hum khush और दुखी होते हैं और वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं सक्सेस और अनसक्सेसफुल होने के और खुश और अनहैप्पी होने के. आई थिंक उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे, राइट? सो लेट सपोज माई विजन टू ट्रांसफॉर्म 40 करोड़ लाइव्स, राइट? लेट सपोज आई एम नॉट गोइंग टू अचीव माई 40 करोड़ फिगर और इफ आई एम फॉलोइंग माई कंप्लीट प्रोसेस और आई एम एंजॉइंग माई प्रोसेस एंड मैं 20 करोड़ तक पहुंच पाया, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूं? I am successful right now because I'm enjoying my journey. That is more important. So keep this thing in mind, in your mind. Are you enjoying your life? Are you enjoying whatever you are doing in your life? That means you are successful. And amazing thing is जब आप हर दिन को जीना start कर देते हैं तो आप जो भी काम कर रहे हो तो उसमें अपने 100% productivity के साथ आप अपने आप को effort डाल पाते हैं और वो effort आपका actions में convert होता है और वो massive actions आपको बहुत बड़ी success और achievements दिलाते हैं जो आपकी definition के हिसाब से आपको वहाँ तक पहुँचना था. So make a note here, please enjoy the journey whatever you are doing, follow your passion. If you don't know your for passion, there are so much technique by which you can identify your passion first. So identify your passion, then convert your passion into profession, and then enjoy your journey. This is the right way to say yourself that I am successful. So signing off, this is Ankit Vijay, motivational speaker, sales and leadership expert, and startup and relationship consultant. So do take care of yourself. Yes, ye clips aur ye videos main YouTube pe bhi dal raha hu apne. So agar aap miss kar rahe hain yahan par daily, so you can tune in our YouTube channel Making Spark. So signing off, bye bye, take care, enjoy your life.